राधा वल्लभ श्री हरिवंश, गुरुदेव आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मेरी एक लड़की के प्रति बहुत आकर्षण है। आपने कहा था कि अपनी हर कामना लाडली लाल के सामने रख देना। मैंने ऐसा ही किया, परंतु इच्छा ना पूरी होती है और ना ही उसका राग नष्ट होता है, उल्टा कई बार भगवत चिंतन के बीच में उसका चिंतन होता है। हमारी बात हो तो हर्ष होता है। अगर माँ से कहे कि हमें संखिया पिला दे तो मैं पिला देगी क्या? तो संखिया ही तो मांग रहे हो, अनंत जन्मों से भोगते चले आए, अभी भोग की तृष्णा है। अरे मांगते कि लाडली जो आपके चरणों का प्रेम हो जाए, आपका निरंतर भजन हो, क्या मांग रहे हैं? कितने दिन उसका शरीर जिएगा, कितने दिन तुम्हारा शरीर जिएगा, ये कोई मांग है? ये कोई मांग है? नारद जी ने कहा मैं ब्याह करना चाहता था, क्यों नहीं ब्याह करने दिया? ठाकुर जी ने कहा जिसको मैं अधिक प्यार करता हूँ तो उसे जो मेरी माया बाधा पहुँचाती है उससे मैं मुक्त करता हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम निरंतर भजन करते हो। यदि मैं तुम्हारा ऐसा संयोग बना देता तो तुम फंस जाते और मुझे भूल जाते, भूल जाते तो पता नहीं कितने कल्प मेरी माया में भटकते। आंसू आ गए नारद जी के, मैं आपकी बात को न समझने के कारण आपको शाप दे दिया, क्योंकि समर्थ भगवान के प्रेमी भक्त हैं। जैसा मैं स्त्री वियोग से दुखी हूँ, ऐसा तुम भी हो। तो भगवान राम अवतार लेकर उसी शाप का अनुमोदन करते हैं। हाय हे खग हे मृग हे मधुकर्षिणी, ऐसा विलाप करते हैं। ये मनुष्य जीवन स्त्री मांगने के लिए मिला है क्या? पुरुष मांगने के लिए मिला है क्या? अरे उनको मांगो जिसके मांगने के बाद मांग मिट जाए, उससे क्या तृप्ति हो जाएगी क्या? जिनके ब्याह हो गए वो कृतिकृत्य हो गए क्या? वो बोलते हैं आपका सुनाथन चाहिए मोरे क्या? अंतिम में उनको भी यही सोच आती कि जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला, जो खोजना चाहिए वो नहीं खोजा। तो जो कुछ मिलना होगा तुम्हारे बिना मांगे मिल जाएगा, मांगने की जरूरत थोड़ी है। मांगो तो ये मांगो कि आपके चरणों में भक्ति हो जाए, कैसी भी परिस्थिति में हूँ प्रभु मैं आपको बोलूँ नहीं, ये मेरा जीवन व्यर्थ ना जाए। नाथ मैं अपने जीवन को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, आप देख लो, जो अच्छा लगे सो कर देना, जो ऐसा लगे कि मेरा आपसे संबंध हट जाएगा, आपसे भजन कभी पूरा मत करना मेरे मांगने पर भी। ये तो रही बात तुम्हारी, ये क्या बात है कि मेरी मांग पूरी नहीं कर रहे? वो सब समझते हैं, वो ज्ञान विज्ञान के समुद्र हैं, उनके आश्रित रहो। राधा राधा राधा, जो होगा वही मंगल होगा, अमंगल हो नहीं सकता क्योंकि प्रभु मंगल भवन है। राधा राधा राधा, सच्चे मार्ग के पथिक बनो तो संसार अपने आप आपको घेर लेगा। माधव का भजन करो तो माया घेर लेगी, माया का भजन करोगे ना माधव मिलेगी ना माया मिलेगी। ये बहुत चंचल चपल माया भगवान की है। इसलिए जीवन केवल भोगों के लिए नहीं मिला, बहुत जीव भोग रहे हैं, बहुत जन्म भोगे आए हो। अगर नहीं मिलता है तो अहोभाग में मिल जाता है तो आपकी लीला, भजन करो गृहस्थी बन करके। नहीं मिलता है तो धैर्यपूर्वक रहो, किसी और की तरफ आंख मत उठाओ, प्रभु की तरफ देखो क्या व्यवस्था करते हैं, आनंद में रहोगे। समझ रहे हो कि नहीं? शास्त्र संयम से चलते तो कैसे मन की दशा होती? जब तक हमारे माता पिता पाश नहीं कर देंगे तब तक हम कैसे किसी को स्वीकार कर सकते हैं? कम से कम उनको ये सौभाग्य तो दो जिन्होंने पैदा किया है, पालन पोषण किया है, तुम्हें दुलार करने के लिए अपने जीवन को मिट्टी में मिला दिया है, उनको ये भी सौभाग्य तुम ही फाइनल कर लोगे सब। देखो ना आज का समय क्या हो, तुम कैसे बात कर सकते हो? हाँ ये ठीक है कि आपके माता पिता हमारे माता पिता से मिले, हम भी प्रार्थना करेंगे यदि हमारा आपका भाव बन रहा है, माता पिता के चरणों में प्रार्थना करेंगे, दोनों राजी हो जाएंगे। वो बात अब बिना ब्याह के, बिना इन गुरुजनों के आदेश के, तो मुझे लगता है सब फिर बुद्धि भ्रष्ट होने वाली बात है। जी रवि जी, मध्य प्रदेश से। महाराज जी आपके